यार इसको माता जी ने इतना बढ़िया दरबार दिलाया भाई। माताजी हम मंदिर के लिए चंदा लेने आए हैं, कहकर दो युवक घर में घुसते हैं। दोनों युवकों में से एक आपको ये कहता सुनाई दे रहा होगा कि ना सोना मंदिर बनाया है। सुने यार इसको माताजी ने इतना बढ़िया दरबार दिलाया भाई। फिर माताजी के पैर छूते हैं और बूढ़ी महिला को पानी लेने के लिए भेज देते हैं। सोफे पर बैठते ही उसमें से एक युवक दूसरे को कानों की तरफ इशारा करता है। इतने में वृद्ध महिला भी पानी लेकर आ जाती है। कुछ मिनट चली इनकी ये बातचीत किसी चंदे के लिए नहीं थी बल्कि ठगी के लिए थी। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। चंदा मांगने के बहाने घर में घुसे दो युवक वृद्ध महिला को अपनी बातों में उलझा कर उससे उसकी कानों की बालियां उतरवा कर फुर हो गए। अब जरा ये सीसीटीवी दोबारा देखें जो शातिर चोरों की चोरी की करतूत को दिखा रहा है। ये पूरी वारदात हरियाणा के यमुनानगर के बूढ़िया गेट पुलिस चौकी एरिया के सामने आई है, जहां 31 अगस्त को बुजुर्ग महिला से दो शातिरों ने सोने की बालियां ठग ली। इस पूरी वारदात का खुलासा घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। शातिर चोर अब पुलिस की गिरफ्त में है। अपराध शाखा वन पुलिस दोनों आरोपियों को सीसीटीवी के आधार पर काबू कर लिया है। अपराध शाखा वन इंचार्ज केवल सिंह ने बताया कि बुजुर्ग महिला से बालियां ठगने के आरोपी जिनके नाम हर्ष और शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ने बुजुर्ग महिला को भूत का डर दिखाकर अपनी बातों में उलझाया, जिसके बाद सोने की बालियां ठग कर फरार हो गए थे। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में वारदात को अंजाम देना कबूल किया। 31 तारीख को जो अभी हमारा गत महीना था उसमें एक वारदात हुई थी जो हमारा बुढ़िया गेट चौकी एरिया है, उसमें दो जो युवक थे, एक उसमें बड़ा व्यक्ति था, एक उसमें नया सी उम्र का जो लड़का था, एक घर में जाकर एक बुजुर्ग महिला को पूजा के बहाने और उसको डर भय दिखाकर, भूत प्रेत का डर भय दिखाकर उसकी बालियां धोखाधड़ी करके ये ले गए थे वहां से। और चंदा मांगने के बहाने ये उस एरिया में घूम रहे थे, तो उसी के अनुरूप माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय यमुनानगर ने जो कार्रवाई थी CIA 1 को सौंपी थी, और CIA 1 की टीम ने वह पीपी जो चौकी इंचार्ज है उनकी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो लड़के जो हमारे पास ही हैं हर्ष और शेर सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया, इनकी पहचान की गई। और गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की गई, तो पूछताछ में इन्होंने वारदात में संलिप्त होना स्वीकार कर लिया और दोनों से जो उसकी महिला की बालियाँ थी वो बरामद कर ली गई हैं, और बरामदगी के बाद आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या अपील करना चाहोगे सर? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं, अक्सर देखने में आए हैं कि भी ऐसे लोग जो भीख मांगने के बहाने आते हैं घरों में, और वो कोई भी किसी संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और घर का दरवाजा ना खोलें, उनको घर के अंदर प्रवेश ना कराएं, और कोई संदिग्ध नजर आता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बहरहाल पुलिस ने घर में अकेली रहने वाली महिलाओं, बच्चों और वृद्धों से अपील की है कि किसी अनजान को घर में ना आने दें। अगर जरा सा भी शक हो तो तुरंत उसकी सूचना नजदीकी थाने में दें। काबिले जिक्र हो कि यमुनानगर में हुई इस वारदात में पीड़ित के घर सीसीटीवी लगा था, तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका क्या जो सुरक्षा के मद्देनजर बैठे ही पुलिस के भरोसे हैं? क्या पुलिस ITI सजगता तब भी दिखाती? ये बातें अक्सर उठती आई हैं कि सरकारी सीसीटीवी ही कई जिलों में नहीं चलते। उन सवालों पर अक्सर पुलिस पर्दा डालती नजर आती है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।